The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. So dosto, jaisa ki aap jante hain, सांस फूलना बहुत सारे कारणों से होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत सारे कारणों से होता है. और अगर मैं आपको कारण बताऊं तो एस्थमा सबसे कॉमन, अस्थमा, एस्थमा सुना ही होगा आपने नाम. फिर आ गया ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है, एस्थमा क्या है, ब्रोंकियोलाइटिस क्या है, ब्रोंकियेक्टासिस क्या है, सब अलग अलग. ब्रोंकाइटिस अलग है, एस्थमा अलग है, ब्रोंकियोलाइटिस अलग है, ब्रोंकियेक्टासिस अलग है, कोविड निमोनिया अलग है. सो ये क्या है, ये सारे चीजों का झमेला क्या है. और इसमें भी टाइप्स हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस, वायरल ब्रोंकाइटिस. सो ये सब क्या चीज है, इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये बेसिक है जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको कब डरना है, कब कोविड है, कब कोविड नहीं है, कब कोरोना है, कब अस्थमा है, कब क्या है. ओके, सो एस्थमा और ब्रोंकाइटिस जो है, या ये ब्रोंकियेक्टासिस, ब्रोंकाइटिस, इस सब के सिमिलर सिम्टम्स हो सकते हैं. मतलब के कारण अलग अलग हैं, मगर देखने में ऑलमोस्ट सेम लग सकते हैं. इसमें क्या हो रहा है, आपकी सांस की नली कहीं ना कहीं इन्फ्लेम हो रही है, मोटी हो रही है. अगर आपकी सांस की नली मोटी हो रही है, इन्फ्लेम हो रही है, तो मतलब वहां पर सांस की नली सिकुड़ जाती है, उसकी जगह कम हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है. एस्थमा इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जो बचपन में ज्यादा कॉमनली होता है, बड़ों में भी होता है, फिर बचपन से बड़ों तक कंटिन्यू रहता है, कुछ लोगों में ठीक हो जाता है, कुछ में नहीं होता. तो यह क्या होगा, ये मोटी हो जाएगी सांस की नली, मोटी होकर पतली हो जाएगी, उससे जो हवा पास हो सकती थी उतनी नहीं हो रही है और उतनी मुश्किल से होगी, इसलिए सांस से आवाज़ भी आ सकती है, सांस लेने में ताकत भी लग सकती है, चलने फिरने पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, खांसी हो सकती है, छाती में टाइटनेस हो सकता है. तो ये इनमें से किसी भी बीमारी में हो सकता है. अब ये किस जगह होता है, ये किस जगह होता है, ये सांस की नली के, उस पर डिपेंड करता है हम इसको क्या बोलते हैं. जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ होती है, वैसे ही हमारे सांस की नली में हमारा ये ट्रंक, ये विंड पाइप, ये टकिया, इसका इसकी जड़ होती है. हमारा पेड़ उल्टा है, उल्टा पेड़ है यहाँ पे, जिसमें ऐसा एक पेड़ और उसकी शाखाएं निकलती हैं, जो एक जड़ से दो शाखाएं निकलती है, राइट वाले लंग में, लेफ्ट वाले लंग में ऐसे जाती है, और ये दो शाखाएं फिर छोटी 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 छोटे में चाटी जाती है. जब हम इन दो शाखाओं की बात करते हैं तो ये हमारे ब्रोंक, मेन ब्रोंकस है, ब्रोंकस. उसके बाद आता है ब्रोंकियोल्स, राइट. सो मेन आता है ट्रकिया, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, फिर आती है छोटे छोटे फुफुले, एल्वियोलाई. सो अगर बीमारी हमारे ब्रोंकियोल्स में होती है, इन्हें ब्रोंकाई में होती है, बड़े बड़े ब्रोंकस में या थोड़े मेन जड़ों में होने लग जाती है, तो उस बीमारी को, मतलब चाहे वो किसी भी कारणवश उनके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाए, सांस की नली सिकुड़ने लग जाए किसी भी कारणवश, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ठीक है. तो एक तरीके से अस्थमा भी एक टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस हुआ, ठीक. अब ये बात और है कि ये ब्रोंकाइटिस मेन वेसल्स में है. जब बड़ी नसें ज्यादा फूलती हैं तो क्या होगा, हवा आने जाने में आवाज़ ज़्यादा आएगी, हवा आने जाने में आवाज़ ज़्यादा आएगी, सांस लेने में ताकत ज़्यादा लगेगी, राइट. और ब्रीदिंग में साउंड आ सकता है, विसल्स आ सकती हैं, ये चीज़ें होती हैं. इसमें अगर ये नीचे जाए, नीचे छोटी छोटी शाखाओं पे दिक्कत कर रही हैं, छोटी छोटी टहनियों पे, जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, छोटी पतली पतली नलियां सांस की, उनमें हो जाए तो उसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं. तो ब्रोंकियोलाइटिस उस कंडीशन में, फिर इतनी छोटी नसें हैं वो लिटरली बंद हो जाती हैं, तो उतना बड़ा हिस्सा लंग्स का काम करना बंद कर सकता है. तो
तो फिर ये चीज, ये प्रॉब्लम होती है आपके कोविड में, कोरोना में, कोरोना में या इसमें सांस में फूलने लग जाता है, सांस थोड़ा चलने पे, क्योंकि आधा हिस्सा लंग का, कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा लंग का 10%, 20%, 30% काम करना, क्योंकि उसके अंदर हवा ही नहीं जा रही, राइट? सो ये ब्रोंकियोलाइटिस होता है। ब्रोंकियेक्टेसिस क्या होता है? ब्रोंकियेक्टेसिस होता है मतलब एक्टेसिस हो गया, एक्टेसिस मतलब वो जो उसका शेप है, एक स्ट्रॉ का शेप उल्टा सीधा हो गया, कहीं से फूल गया, कहीं से सीधा हो गया, कहीं से मुड़ गया, कहीं से टेढ़ा हो गया। तो जब ये सांस की नली जो है इनफ्लेम नहीं होती है, उल्टी सीधी टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है, उसमें हम ब्रोंकियेक्टेसिस बोलते हैं। तो ब्रोंकियेक्टेसिस में भी सांस फूल सकता है, रास्ता छोटा हो सकता है, बलगम बढ़ सकती है, थोड़ी सी ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये तीनों चीजें हुई कोरोना में, कभी कभी तीनों हो सकते हैं। और ये जो ब्रोंकियेक्टेसिस है ट्यूबरकुलोसिस के बाद, किसी सीवियर लंग इन्फेक्शन के बाद हुआ था। तो इन तीनों में और अस्थमा में आपको क्या होगा, वायरल फैक्टर भी हो सकते हैं, वायरल बीमारी भी हो सकती है, किसी वायरस के वजह से हुआ हो निमोनिया, वायरल निमोनिया के बाद ब्रोंकियेक्टेसिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर स्मोकिंग, टबैको, सिगरेट, बीड़ी, ढुक्का, या फिर बैक्टीरिया, निमोनिया, निमोकोकस, ऐसी कई बैक्टीरिया जा सकते हैं। कभी कभी जीन्स, जेनेटिक्स भी आपके प्ले करते हैं कि आपकी कितनी सेंसिटिविटी है इस चीज की, पोलन ग्रेन्स चले गए तो भी होता। सो इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स अलग होंगे, याद रखें जब अस्थमा होगा ब्रोंकाइटिस होगा, वीजिंग आएगी, विसलिंग साउंड आएगी, सांस फूलेगा, खांसी आएगी और छाती में थोड़ा टाइटनेस होगा। और एक्यूट केस में, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आपको लो ग्रेड फीवर भी आ सकता है, चिल्स भी आ सकते हैं, बॉडी एक भी रह सकता है, और खांसी, बलगम, ये सब रहेगा। याद रखिए एलर्जी बच्चों में, अस्थमा एलर्जिक होता है, इन्फेक्टिव नहीं होता, इसलिए उसमें स्टीरोइड्स दिए जाते हैं। कभी कभार केमिकल एक्सपोजर हो जाए, कभी कोई धुएं में चले जाए, डस्ट हो, मोल्ड हो, कोई पोलन ग्रेन, डेंगर, पोल्यूशन, स्मोक, सिगरेट, कॉकरोच, कॉकरोच के जो फ्यूम, जो डस्ट होता है, एक्सरसाइज से भी कभी कभी एकदम एप्रेसिपिटेट हो जाता है, ऐसे स्पाजम्स, ब्रोंकोस्पाजम अलग चीज है, ब्रोंकाइटिस अलग चीज है। स्ट्रेस के वजह से भी कई बार म्यूकस ज्यादा बनने लग जाता है, स्पाजम होने लगता है, कोल्ड की या कोल्ड फ्लू जैसे इन्फेक्शन में भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस अगेन, ये सारी चीजों से ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है और एस्थमा एग्जासरबेट हो सकता है। तो आपने क्या करना है भैया, स्मोकिंग नहीं करनी है, वीक इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, अच्छी नींद लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, 40-45 साल के साल के ऊपर हो तो जरूर अपने हेल्थ पे ध्यान दो, इंडस्ट्रीज से दूर रहना है, धूल पोल्यूशन से दूर रहना है, और अगर हमें ये पता लगाना है कि हमें इनमें से क्या है तब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बेस्ट डॉक्टर इज अ पल्मोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन। वो क्या करेगा, आपका चेस्ट सुनेगा और देखेगा, अगर नहीं ठीक हो रहा है आपका खांसी बलगम, तो आपके चेस्ट को वो सुनेगा, ऑस्कल्टेट करेगा, उसमें आवाज से उसको एक आइडिया मिलेगा, ओके लुक्स लाइक इट, ऐसा लग रहा है आपको ये बीमारी है और वो बीमारी है, उसके हिसाब से फिर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, आपको एलर्जी तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करते, कोल्ड हुआ क्या, कोई केमिकल एक्सपोजर, पोल्यूटेंट, घर में कचरे तो नहीं है, कोई पोलन ग्रेन तो नहीं है, हर सीजन में होता है क्या, फलाना फलाना, ढमकाना ढमकाना। उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, आपकी स्पायरोमेट्री होगी, स्पायरोमेट्री से आपको फूक मारने को बोला जाता है और फूक खींचने को बोला जाता है, देखा जाता है आपके लंग की कैपेसिटी क्या है, FEV1 कितना है, ये कितना है। अगर अस्थमा के प्रोपेशेंट हो तो उसकी कैपेसिटी कई बार कम हो जाती है, राइट? चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है कि कोई एक एरिया में प्रॉब्लम है तो वो इन्फेक्शन ज्यादा है, पूरे लंग में है तो वो एस्थमेटिक हो सकता है, राइट? और दूसरी चीजें हो सकती है। इसके साथ आपका बलगम की जांच होती है, स्पूटम टेस्ट होता है, स्पूटम में देखा जाता है कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन, कोई कोविड, कोई कोरोना कुछ तो नहीं है। बलगम मतलब पीछे से थ्रोट स्कैब लिया जाता है, बलगम से भी किया जा सकता है, कोई मना ही नहीं है, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट कि कैसे डायग्नोस किया जाता है, इन सब के बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है। एलर्जी के ऊपर है तो एलर्जिक टेस्टिंग होती है, एलर्जी ब्लड टेस्ट, एलर्जिक स्किन टेस्ट, किस किस से एलर्जी है फिर उसको अलग किया जाता है, और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा, वायरल है, एलर्जिक है तो कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, आपको एंटी एलर्जिक दवाई देनी है, ब्रोंको डायलेटर्स देना है, माइल्ड डोज स्टीरोइड्स दे सकते हैं, पानी खूब सारा पीना है, रेस्ट करना है, लिख लो, फिर बोलना नहीं सर ट्रीटमेंट बता दो, ट्रीटमेंट यही है, रेस्ट, अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, अ लिटिल बिट ऑफ यू नो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, जिसमें छोटी सी सिट्रीजीन, मोंटेलुकास, फिनोफेक्साडीन, एथेरैक्स, ऐसी दवाइयां धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किस जगह एलर्जी है, कैसी है।
सो धीरे धीरे बढ़ाई होती है, और कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। और उसके बाद में आपको दिया जाता है कई बार नेबुलाइजेशन से दवाइयाँ, ब्रोंकोडाइलेटर्स, या फिर स्प्रे, कभी कभी स्प्रे में स्टेरॉइड्स होते हैं, दवाई में स्टेरॉइड्स होते हैं, कभी कभी इंजेक्शन में देना पड़ता है एक्यूट केसेस में, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा अपने डॉक्टर के द्वारा। डायलेट, कोई भी दवा जो आपके सांस की नलों को डायलेट करती है उनको कहते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। इसमें शॉर्ट एक्टिंग डायलेटर्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग डायलेटर्स होते हैं। जब एक्यूट अटैक है तो शॉर्ट एक्टिंग डायलेटर जैसे लिवोलिन, लिवोबुटरॉल, या फिर एल्बुटरॉल, इप्राट्रोपियन दिया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग में आपके आते हैं फॉर्मेटरॉल, साल्मेटरॉल, टियोट्रोपियम, और स्टीरोइड्स में आपको दिए जाते हैं कभी कभी जो आपके होते हैं ब्यूटेसोनाइड, फ्लूटिकासोन या मोमेटासोन, इनकी ये चीजें दी जाती है। इसके अलावा इनके कॉम्बिनेशन आते हैं फ्लूटिकासोन, सोलमेटरॉन, ब्यूटेसोनॉन, फ्लूमेटरॉल, इनके कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं अगर हमें लग रहा है एलर्जिक और अस्थमा है। प्रिवेंशन करना चाहते हैं, स्टे अवे फ्रॉम पोलन ग्रेन डस्ट, स्मोकिंग बंद करो, अपने वैक्सीन सही टाइम पे लो, फ्लू शॉट्स लो, और रेगुलर चेकअप कराओ, और डॉक्टर से टच में रहो। पानी खूब सारा, रेस्ट खूब सारा, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, इतना करेंगे तो बचे रहेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई और सवाल हो तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर एजुकेशन हियर।